नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सात संगत को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सात संगत जी, आज हमारे जो घर के पास मंदिर के महाराज जी हैं महंत पवन शुक्ला, उनका आज ऑपरेशन हुआ था सात संगत जी, सेक्टर 25 सीनियर हॉस्पिटल इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मैं वहाँ जा रही हूँ सात संगत जी। अगर ज़िंदगी में कभी दुख सुख भी आता है तो किसी के पास अगर किसी से प्रेम मानवता है तो हम आपको ज़रूर जाना चाहिए। कल आपके साथ, कल हमारे साथ हो सकता है सात संगत जी। इंसानियत की इंसानियत ही साथ जाती है और दुनिया में कुछ साथ नहीं जाता। सात संगत जी, जिंदगी के जो पल हैं, जिंदगी के जो क्षण हैं, हमेशा एक से नहीं रहते। हमारी पढ़ाई ने कुछ बोलोगी, कुछ बोलो। हरिओम। गुरु महाराज को हॉस्पिटल में जा रही हूँ और उनको अच्छे से बढ़िया खूब खड़े कर दो, दौड़े धूपे। सात संगम मेरी माँ बिटिया है, माँ है, उनको देखने के लिए ज़रूरी हमको है। मेरे गुरु जी हैं और मेरी लड़की है, साथ मिल गया, सब साथ भक्तों के साथ में। फादर सबको कल्याण करो, गुरु जी को उठ के खड़ा करो, सही हो जाए। सात संगत जी, हमारी पास में पढ़ाई हमारी माँ लगती है, बेटी मानती हैं और हमको भी साथ लेके जा रहे हैं। सुबह आई थी घर पे, बोली चलोगी, तो मैं सो रही थी सात संगत जी, तो मैंने कि चलो अब जा रही है माँ गुरु जी को देखने और गुरु जी ठीक हो जाएं। क्योंकि सात संगत जी, जिंदगी में दुख सुख कष्ट परेशानी आती रहती हैं, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। मानव का चोला पाके, मानव का शरीर पाके, जिंदगी में अच्छे काम करें और हम कहीं भी रहें अपने साकार हरि परमात्मा का सुमरण करते रहें। क्योंकि सात संगत जी, नाव होती है पर पानी चारों तरफ घेरे होता है। अगर नाव में अगर नेक भी डगमगाएगी, छेद हो जाएगा, तो नाव डूबने में टाइम नहीं लगाती। वैसे ही सात संगत जी, ये दुनिया भवसागर है और हमारा ये शरीर रूपी नाव, पता नहीं हमारे कोई कर्म ऐसे हो जाए हमें कब झेलना पड़ जाए। इसलिए हमेशा कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो जिंदगी के भवसागर से हम पार हो जाएं। कब होंगे? जब हम अपने साकार हरि परमात्मा सर्वेश्वर नारायण साकार हरि का स्मरण करते रहेंगे। इस दुनिया के मेले में, इस दुनिया की बाहर में आके हम खो जाते हैं सात संगत जी, पर हम आपको खोना नहीं है। हमें तो अपने साकार हरि परमात्मा का सुमरण करना है कि हे नारायण हरि परमात्मा, हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हम आपका सुमरण करते रहें। और ज़िंदगी की कोई हम आपकी कामना नहीं होनी चाहिए। सात संगत जी, ये मानव शरीर, ये मानव चोला बार बार नहीं मिलता। ये ज़िंदगी की ये बगिया, ये ज़िंदगी के ये संसार बार बार देखने को नहीं मिलता। हम जहाँ भी रहें, अच्छे काम करें, बढ़िया काम करें। बगिया में, दुनिया में हरि जी आए हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के सम्राट हैं, हमें उनका स्मरण करते रहना चाहिए। हर पल, हर क्षण, हर सेकंड हमें कभी अपने मालिक को नहीं बुलाना चाहिए। हम तो नाली के कीड़े थे, हम तो गिरे हुए थे, हरि जी आपने हमें उठाया। हम तो मुरझाए हुए थे, अगर आप ना होते तो हमारा कोई नहीं होता। हम तो नाली के कीड़ा हैं, हमारे साकार हरि परमात्मा, हे नारायण हरि परमात्मा, हम सब जीवात्माओं का आपके श्री चरणों में हमेशा मन लगा रहे। सात संगत जी, जिंदगी में दुख आए तब भी हरि को, सुख आए तब भी हरि को याद करना चाहिए। और जिंदगी में कभी भी अपने हरि परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। काहे का घमंड करना, कहाँ ऐसे आए और कहाँ चले जाओगे कुछ पता नहीं। ये दुनिया का रंग तो फीका है, एक हरि नाम का रंग ही सात संगत जी पार लगाता है। इस चर्चा कैसी लगी जरूर बताना। सभी जीवात्माओं को मैं प्रणाम कहती हूँ और चलते चलते इतना कहती हूँ, खाना पीना, रहना उठना सोना सब भूल जाना, पर मेरे साकार हरि को मत भूल जाना। अगर उनको भूल गए तो भवसागर में सात संगत जी कोई हमारा आपका उबारने वाला नहीं है। हमारी ये पढ़ाइन है, माँ है, कभी भी
अपने गले से लगाती हैं, बिटिया खाना खा लो, पानी पी लो, बहुत अच्छी हैं और हम इनके साथ आज जा रहे हैं। साथ संगत जी, अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करना, अपने से बड़ों का हमेशा आदर सत्कार करना। सभी आत्माओं को मैं प्रणाम करती हूँ। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। स्वीकारो स्वीकारो स्वीकारो।